देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है, आमतौर से बोलचाल में प्रयोग होता है, लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है, रिलीजियस। तो इस वीडियो में रिलीजियस का हिंदी और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, आम बोलचाल में सेंटेंसेस में किस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब होता है रिलीजियस का? देखिए, रिलीजियस का मतलब होता हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ रिलीजन, मतलब किसी धर्म पर दृढ़ विश्वास रखना को हम रिलीजियस बोलते हैं। मतलब ऐसे पर्सन जो धर्म आधारित बातों को फॉलो करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनको हम रिलीजियस बोलते हैं। तो हिंदी में अर्थ हुआ रिलीजियस का धार्मिक, मजहबी, ईमान वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले को हम रिलीजियस बोलते हैं। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं गॉड फियरिंग, फेथफुल, क्लेरिकल, बिलीवर, पायस, गॉडली, सेंटली, स्पिरिचुअल एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे, फॉर मोस्ट सिटीजन्स लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, मतलब अधिकांश नागरिकों के लिए आज़ादी का मतलब उनकी धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं की आज़ादी है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि वी अपोज डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, मतलब हम धार्मिक आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। तो उम्मीद है आपने रिलीजियस शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेटर डेस्क।